वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपके बारे में LLB के बारे में शेयर करूँगी आपके साथ कंप्लीट डिटेल इन दिस वीडियो। 5 ईयर्स का भी LLB होता है और 3 ईयर्स का भी होता है, ठीक है। आज मैं आपके साथ 5 ईयर्स और 3 ईयर्स दोनों की डिटेल्स इस वीडियो में सेंड करूँगी। यूनिवर्सिटीज़ का आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ LLB करा रही हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है। 50% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने लास्ट में हैं LLB के लिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इससे कम मार्क्स वालों को भी एडमिशन दे सकती हैं। दूसरा, आपको लैट टेस्ट पास करना होता है। आप लैट टेस्ट का क्या सिलेबस है, क्या उसका शेड्यूल होता है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी जी। लैट टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो ऐसे होते हैं, दो होते हैं, जिसमें आपने उर्दू या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। एक आपको ऐसे दे सकते हैं, जैसे इलामा इकबाल पर ऐसे दे दें, कायदे आज़म पर ऐसे दे दें। फिर दूसरा, आपको पर्सनल स्टेटमेंट का ऐसे आता है, आपने अपने बारे में लिखना होता है जो 200 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो। उसके बाद आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, उर्दू, मैथमेटिक्स में से आपको MCQs पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इंग्लिश में और प्रीपोजिशन होता है इसके साथ। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन, इस्लाम के मुतलिक, पाक स्टडी के क्वेश्चन और उर्दू की वोकैबुलरी। और 5 मार्क्स से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें आपने 50 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। उसकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। ओल्डी में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, हज़ारा यूनिवर्सिटी है मानसहरा में, यूनिवर्सिटी ऑफ पोल्टी, ठीक है, इसमें LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे पास है, कायद अजम यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की यूनिवर्सिटी है जिसमें कराची में, जिसमें LLB होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 5 ईयर LLB का प्रोग्राम जो है वो हो रहा है। उसके बाद बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी मैं आपके साथ इंशाल्लाह सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है वो शेयर करूँगी। नेक्स्ट, हमारे पास जो बच्चे यूनिवर्सिटी आते हैं जो 5 ईयर LLB प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ उस पर भी मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करती हूँ स्लाइड, वो है हमारे पास जी जनरल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में है। मैं इंशाल्लाह सब यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं LLB के लिए उनकी जो डिटेल है वो सेंड करूँगी, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। मैं आप जिस यूनिवर्सिटी के बारे में कमेंट सेशन में बताएँ कि आपको किस यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल चाहिए, मैं इंशाल्लाह उस पर एक कम्प्लीट वीडियोज़ बनाऊँगी। और भी जो आपका क्वेश्चन है किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में वो आप पूछ सकते हैं। आगे इसकी अगर सैलरी पैकेज की बात कर ली जाए तो सैलरी इसकी अर्निंग लैक्स में होती है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी इसकी अर्निंग लैक्स में होती है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से 5 ईयर LLB कर सकते हैं तो अपना 5 ईयर के बाद आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और आप अगर आपके पास 1 माह के 2 क्लाइंट भी आ सकते हैं ना, आ जाते हैं, तो आप अच्छी खासी 1 माह की सैलरी इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, 23 और 25 से भी ज़्यादा जॉब्स इसमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि इसमें जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। और इसके बाद आप CSS भी कर सकते हो। और इसमें जो जॉब्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जॉब्स होती हैं, इसमें लीगल एसोसिएट जॉब्स होती हैं, बैंक, किसी भी बैंक में आप एज ए करियर फाइल लॉयर जा सकते हो उसमें, ठीक है। प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक होगा उसमें आप जा सकते हो और वहाँ पर अपनी जो है अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, उन्हें भी लाइट की ज़रूरत होती है वहाँ पर। आप एक अच्छे एडवाइज़र बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, ठीक है, लीगल एडवाइज़र बन सकते हो कि किसी को कोई सलाह मशवरे की ज़रूरत है तो वो। आप टीचर बन सकते हो CSS का, क्योंकि CSS में बहुत से लॉ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफिसर बन सकते हो आप, ठीक है, अपना प्राइवेट क्लिनिक सेटअप कर सकते हो, वहाँ बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा बच्चे आप प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जॉब्स में जा सकते हो, लॉ ऑफिसर बन सकते हो,
लीगल ऑफिसर बन सकते हो, लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, ठीक है। ये सारी जॉब्स इस टाइम पर भी अवेलेबल हैं, फिर आप करेंगे LLB करने के बाद भी हो सकता है कि और जॉब्स आए, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब तो गर्ल्स भी इसमें आ रही हैं, लीगल ऑफिसर, लीगल एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जॉब्स वाली गर्ल, ठीक है। जितनी भी लीगल काम की जो जॉब्स होती हैं वो सारी आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हो। बॉयज़ को कुछ को बहुत ज़्यादा शौक होते हैं कि हमें पुलिस ऑफिसर बन, तो कोई अगर भी करके CSS करके पुलिस ऑफिसर भी बन सकते हैं। लीगल एसोसिएट, अगर आप LLB कर लेते हैं तो आपके लिए CSS करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो होते हैं उसके सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसकी जॉब्स है कि जो स्लाइड से आपको शो हो रही है, आप इससे अच्छी तरह रीड आउट कर लें, इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, बैठ कर अच्छी तरह रीड करें और फिर सोच लें कि हमने LLB में एडमिशन लेना है या नहीं। अगर तो आपका माइंड सेट है तो बिना झिझक इसमें एडमिशन ले सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपका कहीं और माइंड सेट है तो आपको उस प्रोग्राम को मुझे बता दें, उस पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और एक काम ज़रूर कर दिया करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, हम भी इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आपको भी चाहिए कि आप भी थोड़ा सा सब्सक्राइब, आपने यार बस एक प्रेस ही तो करना है बटन को, और क्या करना है, ठीक है। आप बटन प्रेस करें और उसे और सपोर्ट करें इस चैनल को, ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकें, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं और मैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बनाती रहूँगी, लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। 1% आपको जल्द से जल्द सब्सक्राइबर प्लीज़ पूरे करें, ताकि हम अगले इससे मज़ीद अच्छा वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच।